मदर गौथल हमारे लिए कुछ पेपर लाई हैं। उनके जादू से रोल बड़ा हो गया। स्नैप! और टावर पर ऑब्जर्वेशन डेक लग गए। ये रहा दरवाजा, ईंटों के निशान बनाए। मुझे और क्या लगाना चाहिए? सही कहा, मैं छत तो भूल ही गई। मदर गौथल ने बहुत अच्छा काम किया। टावर वाइन से ढका हुआ है। टावर फेरी टेल की किसी चीज की तरह लग रहा है। बर्ड विंडो सिल पर अपनी अच्छी दोस्त से मिलने आई है। ओह, मैं इसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं ऊपर जाऊंगी। एक कदम यहाँ, एक कदम वहाँ। हाँ, मैं ऊपर आ गई। मदर गौथल जल्दी आ गई और रपंजल को रंगे हाथ पकड़ लिया। हे रपंजल, तुम ये क्या कर रही हो? उप्स, मैं सिर्फ सनराइज देखना चाहती थी। बुद्धू, सूरज दिन में निकलता है। मदर गौथल को रपंजल की हरकतें प्यारी लगती है। चलो टावर पर वापस चलते हैं। एलओएल छोटी बहनें रपंजल में बदल रही है। चलो इसे लाइलैक आउटफिट में बदलते हैं। बाल जरूर जादुई होंगे। कोई अपने बाल इतने लंबे कैसे कर सकता है? ये सच में एक जादू है। और ये रहा पास्कल द कैमेलियन, रपंजल का अच्छा दोस्त। पास्कल बोर हो रहा है। खेलो बच्चों, ये दोनों अलग नहीं रह सकते। ये हमेशा मजे करते हैं। लेकिन रपंजल हमेशा शरारतें करती रहती है। टेबल पर चढ़ना, आराम से चढ़ गई। टारगेट मेरे सामने है, स्वादिष्ट चॉकलेट क्रोसोंट। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो गर्म दूध पीते हैं। ऐसे बहुत अच्छे। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें और स्वीट्स मिलेंगी। हमें मोबाइल बनाने के लिए इन डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। वायरिंग को ग्रीनरी और फ्लावर से सजाएं। फिशिंग लाइन पर चमकदार बीट्स लगाएं। और ये एक डोम बन गया जिसके ऊपर ये पर्ल्स हैं। अब सोने में और मजा आएगा। गौथल रपंजल को अंदर रख रही थी लेकिन वो रो रही थी। ओह, मेरा सिर अब फट जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। ये ठीक है, मैंने मोबाइल किसी वजह से ली है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। रपंजल ने इसे देखना शुरू कर दिया। फ्लाइंग फिगर्स ने उसे सुलाने में मदद की और वो अच्छे से सो गई। नई एलओएल डॉल का मतलब है कि हमारी लड़की बड़ी हो रही है। ब्लॉन्ड बाल, सफेद हाईलाइट वाली हरी आंखें और उसके फेवरेट कलर वाला सूट। रिबन्स चुने। रपंजल बॉक्स के अंदर चली गई। ये वाला ठीक है। इससे एक पफी स्कर्ट बनाएं। इसे चमकदार बेल्ट के साथ बांधें और लाइट स्लीव्स लगाएं। फेरी गॉड मदर ने अपने पंख फहराए और रपंजल के लंबे बाल वापस आ गए। ये मेरे बाल और लंबे हो गए। मदर गौथल सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। यही रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रपंजल ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। उसने ड्रॉअर में छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रही थी। चाबी, बालकनी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब वो आसानी से अपने बालों से नीचे आ सकती है। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। वो घास पर लेटी हुई है और धूप के मजे ले रही है। बाहर घूमना बहुत मजेदार है। जादुई क्रीचर लॉन पर आराम कर रहे थे। टाइगर ने रपंजल के हाथों को चाट लिया। प्रिंसेस ने सभी जानवरों से दोस्ती कर ली। रपंजल, तुम फिर बाहर आ गई। चलो घर चलें। उप्स, पकड़ी गई। रपंजल की नई हॉबी है ड्राइंग। वो अपने सपनों को पेपर पर ड्रॉ करती है और जल्द ही उसने फर्नीचर पर करना शुरू कर दिया। ओह, मेरी बच्ची कितनी क्रिएटिव है। बहुत अच्छे। मैं उसके टैलेंट को कैसे बढ़ावा दूं? इसे छोटा बना दे। ऐसे हमें लेग्स और शेल्फ के लिए वुडन स्क्यूअर्स चाहिए। इसे चिपका दे। चलो बनाए। देखना मत, सरप्राइज। वाओ, मदर क्या ये मेरे लिए है? बढ़िया। उसने अपने पेंट्स लिए ईजल के सामने बैठ गई और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। यंग आर्टिस्ट ने पास्कल की पिक्चर बनाई है। ये खूबसूरत है।
डॉल अपना लुक बदल रही है। आज वो टीनेज रपंजल में बदलेगी। ये बहुत अलग है। ओह, ऐसे बाल किसी के नहीं है। चलो अब इसे कैमेलियन प्रिंट वाली सफेद टी शर्ट पहनाए, शॉर्ट्स पहनाए, लेकिन डेनिम ओवरऑल्स अच्छी पसंद है। सही कहा। टीनेजर को एक्सपेरिमेंट्स पसंद है। रपंजल ने भी कलरफुल बाल रखने का सोचा है। पतले रिंग्स को ब्रेड्स में लगाएं, अब वो ट्रेंडी लग रही है। yes. रपंजल ने अपना लुक बदलने का सोचा। पहले मैं अपने बालों को ब्राइट कलर से डाई करूंगी, मुझसे रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। वाओ, बढ़िया। लेकिन अब ये ड्रेस लुक से मैच नहीं कर रही है। प्रिंसेस अपने लिए एक नया आउटफिट बना रही है। थोड़ी मेहनत और उसने एक स्टाइलिश डेनिम आउटफिट बना लिया। मैं बहुत खुश हूँ। पास्कल, देखो कितना अच्छा है। ओह मदर, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह, ये बहुत कलरफुल है। अब एक्सपेरिमेंट करने का सही समय है। मुझे याद है तुम्हारी उम्र में मेरे भी फाइली हेयर्स थे। पैटर्न पेपर से एक फोल्डर बनाएं, एक किनारे को गोल करें। कलरफुल टेप फोल्डेड पीस में बदल गई। इसे साइड्स में लगाएं। प्लेन शीट्स इसमें आ सकती है। स्ट्रॉ और डिजाइनर टेप को मिलाकर डॉल्स के लिए छोटे स्पूल्स बनाएं। रपंजल टुकड़ों से कवर हो गई है। हीही। टूथपिक्स काटें। हर स्क्यूअर का रंग अलग है। क्रेयॉन्स तैयार है। ये स्टेशनरी के ड्राइंग में उसकी मदद करेगी। रपंजल प्रिंसेस वाला ऑनलाइन कोर्स कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है। क्लासेस पर ध्यान देने के अलावा उसने खेलने का सोचा। प्रिंसेस अपनी चेयर पर मजे कर रही है। रूम में कूदना और टेप से बाल और आईब्रोज बनाना। उसके क्लासमेट्स उसके इन हरकतों पर हंस रहे हैं। फिर वो वापस ड्राइंग करने लगी। एक शीट पर फेरी टेल की दुनिया बन गई। हमें और कार्डबोर्ड चाहिए। फोम पेपर स्ट्रिप्स काटे और टुकड़ों पर लपेट दे। एक और दो बॉक्सेस और ब्लिस्टर पैक को पिंक पेंट करें। ये असली मेकअप पैलेट है। ये कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं। यहाँ काफी शेड्स हैं। आधे हिस्से पर मिरर चमक रहा है। एक छोटा ब्रश मस्कारा में बदल गया। और फिर हमारे पास हाथों से बनी ब्राइट लिपस्टिक है। ये काफी बड़ी बात है। एक टीनेजर के लिए मेकअप किट बहुत अच्छा गिफ्ट है। गौथल ने लालीलू की बात मानी और प्रिंसेस के लिए कुछ बढ़िया करने का सोचा। रपंजल, ये तुम्हारा है। वाह मदर, आप बहुत अच्छी है। एक मेकअप किट, वाह। ठीक है, मैं जाकर अपना मेकअप करती हूँ। रपंजल मेकअप टेबल के सामने बैठ गई और लिपस्टिक, आई शेडो और आई लैशेस लगाना शुरू कर दिया। पहला मेकअप थोड़ा डार्क लग रहा है। रपंजल का मेकअप देखकर गौथल चौंक गई। स्वीटी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं। मदर ने मेकअप साफ कर दिया और दोबारा मेकअप में रपंजल की मदद करने लगी। कितनी सुंदर लड़की है। वाह, ये ज्यादा बढ़िया है। पतली तारों से दो पतली रिंग्स बनाए। स्नैप, और वो जुड़ गए। ब्रश का इस्तेमाल करें। सन की ब्राइट ड्राइंग पेपर पर आ गई। एलईडी लाइट सुंदर लग रही है। देखो यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। फ्लिन राइडर अंधेरी रात में किनारे पर आया है। तुम कहाँ हो मेरी जान? हनी, मैं यहाँ हूँ। उसने प्रिंसेस को अपना हाथ दिया। वो बोट में आ गई और दोनों पानी में एक साथ घूमने लगे। वैसे मैंने एक गिफ्ट बनाया है, ये लो। ओह, ये लैंटर्न है। ये बहुत रोमांटिक है। उन दोनों ने अपने हाथ से उसे आसमान में छोड़ दिया। रखो, क्या? आसमान में बहुत सारे लैंटर्न्स उड़ने लग गए। दोनों खुशी से वहीं रहकर नजारे देखने लगे। एक प्रिंट वाली शीट काफी पेजेस में बट गई। उन्हें एक साथ जोड़े, शीट्स को साथ में चिपकाएं और कवर के अंदर रखें। कवर को मेटल फ्रेम में लगे रपंजल के पोर्ट्रेट से सजाएं। और एल्बम के अंदर काफी सारी खास फोटोज हैं। एक बार रपंजल जब टीनेजर थी तब उसे फोटो बूथ मिला था। मुझे भी फोटो खिंचवानी है। सालों बाद
बूढ़ी रपंजल को वही बूथ मिला। ओह, मुझे ये फिर करना होगा। और अब ग्रैंडमा के पास अपनी बचपन वाली फोटो से मैचिंग फोटोज है। घर आने के बाद रपंजल ने फोटोज को एल्बम में लगाया उसकी जवानी की फोटोज के साथ। कितनी अच्छी यादें है। आह, वो भी क्या दिन थे। वुडन स्टिक्स को कप में रखें, थोड़ा पानी गर्म कर लें, गर्म पानी को स्टिक्स के ऊपर डालें, कुछ पीसेस को एक साथ बांधें और उन्हें मोड़ दें, बोट की शेप बनाएं, निचला हिस्सा लगाएं। हाय पास्कल, हे शर्माओ मत, इधर आओ, चलो ओर्स के लिए जगह बनाते हैं। इसके अंदर कौन है? बर्लप ब्लैंकेट से लिपटी हुई छोटी लड़की। गोथल पानी के किनारे बेरीज चुन रही थी। अब मैं जैम बना सकती हूँ। क्या, मैंने रोने की आवाज सुनी? क्या किसी को मदद चाहिए? मैं जाकर देखती हूँ। उसने आसपास देखा। वो कहाँ है? ये बोट कहाँ से आई? ओह, इसके अंदर बेबी है। तुम यहाँ कैसे आई? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें संभालूंगी। गोथल बेबी को घर ले आई। ओह, तुम्हें नहाने की जरूरत है। जब तक बेबी बबल्स एंजॉय कर रही है, गोथल उस पर नजर रख रही है। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? यहाँ आना तुम्हारी किस्मत में लिखा था। मैं तुम्हें कंबल उड़ा देती हूँ और तुम यहाँ सो सकती हो। गुड नाइट छोटी बच्ची। कार्ट बनाने के लिए वुडन स्टिक्स को एक साथ चिपकाएं। व्हील और थोड़े स्टैंड्स लगाएं। इन पीसेस से आप कार्ट को खींच सकते हैं। वुश! कार्ट पूरा गंदा हो गया है और ये सूखी घास से भरा है। ओहो, हॉर्सी, ध्यान से, बेबी कार्ट के अंदर है। चलो इसे बर्लप में लपेटें, अब ये गर्म रहेगी। बेबी रो रही है। गोथल को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वो उसे चुप कराने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे सॉफ्ट सूखी घास से भरे कार्ट में रख देती हूँ। हॉर्स उसे थोड़ा घुमाता है और वो शांत हो जाती है। और गोथल की फेरी टेल सुनकर रपंजल सो जाती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपना क्रिप पसंद आया। वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसे लाइट कलर से पेंट करें, लंबे ब्लॉन्ड बाल लगाएं, उसकी हरी आंखें बनाएं, उसके पर्पल आउटफिट पर मैश रिबन लगाएं, पुराने बैग से बड़ी स्कर्ट बनाएं, उसके ब्राउन शूज बनाएं। पास्कल को भी पसंद आया। रपंजल अपने रूम को फिर से सजाना चाहती है। वो फर्श पर आती है और फर्नीचर इधर उधर करना शुरू कर देती है। मैं फ्लावर पॉट बेड के साथ लगाऊंगी। ये कैसा लगा पास्कल? क्या ये बेहतर है? चलो यहाँ थोड़े मजे करते हैं। ओह, वो कहाँ चला गया? ये बहुत दूर है, वापस आओ। ये मजेदार था। कैप को काट ले। हमें प्लास्टिक स्पून मिली है, लेकिन हमें सिर्फ हैंडल की जरूरत है। अब अंदर के हिस्से को सिल्वर और बाहर येलो पेंट करें। ये पुराना फ्राइंग पैन अभी भी काम का है। रपंजल टावर के पास आराम कर रही है। मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन इससे मुझे हमेशा भूख लग जाती है। मुझे क्या खाना चाहिए? हे, तुम कहाँ जा रहे हो पास्कल? तुम इसका क्या करोगे? ओह, तुम्हें अंडे मिले हैं। मैंने मदर गोथल को इन्हें फ्राई करते देखा था।
पास्कल ने आग जलाने में मदद की और जल्द ही उन्होंने स्वादिष्ट लंच किया। यम्मी। बॉटल पर और मटेरियल लगाएं। इसमें डिवीजन और पेंट पैलेट के लिए स्पेस बनाएं। वाह, ब्राइट कलर्स। टूथपिक्स और ब्रिस्टल से कुछ ब्रशेस बनाएं। आप इस छोटे पैलेट से कलर्स मिक्स कर सकते हैं। स्टिक से कैनवस स्टैंड बनाएं। फोम पेपर को छोटा बनाएं। ये ईजल बनेगा। ये बाहर पेंटिंग करने के लिए बढ़िया है। ये पेंट की बाल्टी किसकी है? अब ये रपंजल की है। वाह, ये बहुत सुंदर कलर है। मैं इससे क्या पेंट करूं? टावर? ओह रपंजल, तुम बहुत बुद्धू हो। वो यहाँ क्या हो रहा है? मैं ये सजा रही हूँ। ओह, इसे जरूर आर्ट में दिलचस्पी होगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गौथल उसके लिए छोटा सा आर्ट सेट लाती है। अब तुम्हें दीवार पर पेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी जगह कैनवस पर पेंट कर सकती हो। वाह, मैं सुंदर लैंडस्केप को पेंट करना चाहती हूँ। कॉफी स्टर से ईजल्स बनाएं, फिर ट्राइपॉड लगाएं। अब कैनवस को इस शेल्फ पर लगा सकते हैं। तो क्या हुआ अगर ये गंदे हैं या मॉस से ढके हैं? रपंजल अभी भी आर्ट बनाने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। रपंजल टाउन स्क्वायर में अपनी पेंटिंग्स बेच रही है। मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगी। वाह, ये बहुत टैलेंटेड है। मेरा पोर्ट्रेट बना सकती हो? बिल्कुल मिस, बैठिए। रपंजल ने उसकी मॉडल का बढ़िया पोर्ट्रेट बनाया है। सब हो गया। ओह, ये अब तक का बढ़िया पोर्ट्रेट है। शुक्रिया, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगी। वोहो। कुछ सालों बाद रपंजल ने अपने आर्टवर्क से कुछ पैसे बचाए हैं और जल्द ही उसका अपना एग्जीबिशन होगा। आह, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपना पहला आर्ट शो कर रही हूँ। तुम एक जीनियस हो। बहुत बढ़िया, मैं इसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहती हूँ। उसकी सारी पेंटिंग्स कुछ मिनट्स में बिक गई। ये मैं अमीर और फेमस हो जाऊंगी। हाय, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं यहाँ अपने गाउन के लिए कुछ कपड़े लेने आई हूँ। अब रपंजल महंगी आउटफिट्स खरीद सकती है, जैसे कि ये लंबे वेलवेट ट्रेन वाला सीक्वेंड आउटफिट। पिंक फैब्रिक और गोल्ड रिबन से एक सुंदर कोरसेट बनाए। पफी स्लीव्स लगाए। उसने एक गोल्ड क्राउन पहना है। ये जरूर महंगा होगा। वो बहुत अच्छी लग रही है। फ्लिन राइडर ने रपंजल को डेट पर बुलाया है। उसने बहुत रोमांटिक जगह चुनी है। ओह, वो आ गई। तुम आसमान के सितारों की तरह खूबसूरत हो। क्या हम राइड पर चले? ओह माफ करना, मैं इस छोटी बोट पर अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहती। ठीक है, तो चलो बड़ी बोट में चले। इस वाली पर फ्लावर्स भी है, पर उसे अंदर आने के लिए अपने पैर गीले करने पड़ेंगे। फ्लिन, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बड़ी बोट लेकर आया। अब ये हुई ना बात। रपंजल आसानी से चढ़ गई। कितनी अच्छी रात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, लैंटर्न। चलो इसे साथ में जलाते हैं। उन्होंने हमेशा साथ रहने के लिए विश मांगी। लैंटर्न दूसरी लाखों विशेष के साथ जाकर उड़ गया। वाह, ये बहुत सारा मेकअप है। ये वाला काम करेगा। पुराने आईलाइनर का पार्ट ले, स्ट्रोक को काटे। ये गोल्ड में बढ़िया लग रहा है। एक फ्लैट आयरन बनाए। राइनस्टोन्स लगाए। इस स्प्रिंग से स्टैंड बन सकता है। गर्म चीज को किसी से टच ना होने दें। अब रपंजल जो चाहे वो खरीद सकती है। उसके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े और एक्सेसरीज है। हाय, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लूसी, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। तुम अच्छी लग रही हो। शुक्रिया।
तुमने अपने बाल ऐसे कैसे किए? ये आसान था, मैं अपने साथ अपना कर्लर लाई हूँ। क्या मैं तुम्हारे बाल स्टाइल करूँ? हाँ बिल्कुल। जल्द ही रपंजल के बाल भी कर्ली हो गए। अब हम दोनों कर्ली गर्ल्स हैं। हमें ये अक्सर करना चाहिए। वुडन स्टिक्स को काटे, डबल फ्रेम बनाए, हॉट ग्लू से सजाएं, कीमती स्टोन्स लगाएं। इस फ्रेम में असली मास्टरपीस होना चाहिए। सालों बाद ग्रैनी रपंजल सुंदर कैसल में रहती है। आह, आग के पास बैठकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। रपंजल को अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चीजें देखना पसंद है। इतने सारे लेटर्स और स्केचेस और नोट्स। ओह, मैंने जब इसे पेंट किया था तब मैं बहुत छोटी थी। आह, मैं बहुत यंग थी। लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं इसे अपने बेस्ट फ्रेम में रखूंगी। आह, मेरे यादगार लम्हे। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी रही है। सूरज उगते ही रपंजल उठ गई। ओह, गुड मॉर्निंग। मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मैं एक सुंदर ड्रेस में दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी के साथ आइल पर चल रही थी। प्रिंसेस ने ये अपने जर्नल में लिखने का सोचा और कुछ ड्राइंग्स बना दी। मुझे बड़े होने का इंतजार नहीं हो रहा है। सालों बीत गए और छोटी लड़की का सपना सच हो गया। व्हाइट सैटन और पर्पल इंसर्ट से सुंदर स्कर्ट बनाए, बेल्ट को कस कर बांधे। ये बहुत सुंदर स्कर्ट है। कोरसेट पर काम करना शुरू करें। फोम पेपर से सही शेप मिलेगी। ये सजावट बहुत सुंदर लग रही है। पफी स्लीव्स लगाएं और साइड्स और कट को काट दें। हील्स बेल्स की तरह आवाज कर रही है। ब्राइट सुंदर लग रही है। खुद को देखो, तुम सुंदर लग रही हो, तुम्हें नहीं लगता? वाओ, बढ़िया। लगता है हम कुछ भूल गए। अरे हाँ, वेल। फोम पेपर पर हेडबैंड की आउटलाइन बनाए। ये रपंजल को अच्छी तरह फिट आ रहा है। ओह, ये चमक प्रिंस को चौंका देगी। व्हाइट ट्यूल को ऐसे बांधे, इसे हेडबैंड से अटैच करें। ये फ्लावर पेटल्स की तरह लगता है। हे, गुड मॉर्निंग आलसी लड़की, उठो, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या, मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, मेरी शादी। अरे हाँ, मैं तो ज्यादा सो गई। ये ड्रेस अच्छे से फिट हो गई। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुमने शूज पहन कर देखे? सिंड्रेला की गॉड मदर ने ये दिए थे। शुक्रिया लड़कियों। वेल को मत भूलना। अब ये हुई ना बात। कैसी लग रही हो? तुम पूरे किंगडम की सबसे सुंदर लड़की हो। मेरी तुम पर से नजरें नहीं हट रही है। ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने के बाद रोने लगी। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची, बड़ी हो गई है। ग्लिटरी कार्डबोर्ड से एक बेस काटे। इनके पीछे गोल्डन सूरज चमक रहा है। ऐसे छोटे एनवलप्स में वेडिंग इनविटेशंस मिलना अच्छा लगता है। इन्हें हार्ट से सील कर दे। रपंजल गेस्ट के लिए वेडिंग इनविटेशंस लिख रही है। रफेल, मेरी एनवलप्स भेजने में मदद करो। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। ये रहा पहले दोस्त का घर। मेल बॉक्स में एनवलप डाल दिया और काम हो गया। सुबह का मेल, ये थोड़ा लेट है। ओह, ये क्या है? वाह, रपंजल की शादी। बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी। शायद मेल मैन से कुछ गलती हुई है, या शायद प्रिंसेस ने खुद मदर गौथल को इनवाइट करने का सोचा है। क्या कोई मेरे घर में घुस रहा है? मैडम, आपका मेल है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन फिर भी ये लेटर रख लीजिए। वो जल्दी से भाग गया। चलो देखें, क्या मेरी छोटी बच्ची शादी कर रही है? मैं ये नहीं होने दूंगी। वो उसके लिए ठीक नहीं है। क्या मदर गौथल रपंजल की शादी खराब करने का सोच रही है? जैसे ही गौथल को रपंजल की शादी का पता चला, उसने एक बुरा प्लान बनाना शुरू कर दिया।
मैं उसका लुक कैसे खराब करूं? वो मेरी रेसिपी क्या थी? मुझे सही डोसेज की जरूरत है, कुछ स्पेल्स। ओह, अब उसे पता चलेगा। जादुई पोषण तैयार है, हमें इसे बस ब्यूटी सैलून में रखना है। हो गया, किसी को पता नहीं लगा। रपंजल अपनी शादी के लिए हेयर स्टाइल बनवाने आई है। मैं बहुत नर्वस हूँ। हनी, डरो मत, मैं प्रोफेशनल हूँ। ओह नहीं, सलीना ने जादुई शैम्पू ले लिया। जैसे ही उसने वो उसके बालों पर लगाया, उसका रंग बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। ओह नहीं, शादी खराब हो गई। ग्लास बॉटल के अंदर स्लाइम है, मतलब कुछ बहुत डरावना। ग्लिटर ने सिचुएशन संभाल ली और अब ये मिक्सचर अच्छा दिख रहा है। बॉटल को लेबल और लोगो से सजाएं। खास शैम्पू से बाल और ज्यादा चमकने लगेंगे। कितना अच्छा कवर है, इसके अंदर एक जादुई शैम्पू है। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो बॉटल लेने चली गई। एक हीलिंग पोशन ने उसके बाल ठीक कर दिए। ये शादी बच गई। प्रिंस सलीना के अल्टियर में आता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाय। बिल्कुल, पहले पैंट्स के लिए नाप लेते हैं। डिजाइनर तुरंत काम पर लग गई और पैंट्स तैयार है। मुझे ये पसंद आई। चलो अब शर्ट और फोम पेपर वेस्ट बनाएं। बढ़िया, सैटिन स्लीव्स लगाएं। रुको, हमें गोल्ड रिबन चाहिए। बढ़िया, यहाँ कंधों पर इपॉलेट्स हैं, एक ब्राइट रिबन लुक को पूरा कर देगा। तुम फेरी टेल के प्रिंस लग रहे हो। शुक्रिया, मैं शीशे में जाकर देखता हूँ। मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, ग्रूम बहुत अच्छा लग रहा है। हर प्रिंस को सफेद हॉर्स की जरूरत होती है। हमें सैडल के लिए इस होलोग्राफिक फोम पेपर की जरूरत पड़ेगी। वाह, ये जादुई लग रहा है। हार्नेस को रिबन और हाफ बीट से पूरा करें। सामने भी ऐसा ही करें। नाजुक फ्लावर से फ्लावर क्राउन बनाएं। बढ़िया है। फ्लिन अपने हॉर्स की सवारी कर रहा है। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब प्रिंस बाहर था, तभी बर्ड ने फ्लावर क्राउन देखा। उसकी आवाज से दूसरी हॉर्स आ गई। ऐसा लगता है उसे ये फ्लावर क्राउन पसंद आया। जेंटलमैन हॉर्स ने अपनी नई दोस्त को वो निशानी के तौर पर दे दिया। वाह, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिंग्स के लिए सुंदर कुशन बनाएं। किनारे पर गोल्ड रिबन्स लगाएं। हमें सीक्वेंस की जरूरत है। सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। प्रिंस की छोटी बहन रिंग्स लेकर आती है। प्रीस्ट नए कपल का इंतजार कर रहे हैं। सेरेमनी शुरू होने वाली है। सुंदर कपल आइल से नीचे आ रहे हैं। प्रीस्ट अपनी स्पीच पढ़ रहे हैं। क्या तुम रपंजल और तुम फ्लिन खुशी और दुख, बीमारी और अच्छी हेल्थ में भी हमेशा साथ रहने का वादा करते हो? कपल ने आखिरकार एक दूसरे से वादे किए। छोटी बच्ची रिंग्स ला रही है। बधाई हो। ओह, कितना प्यारा पल है। उन्होंने रिंग्स पहना दी। खैर, अगर कोई इसके खिलाफ ना हो तो मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ अनाउंस करता हूँ। ये बधाई हो। अब ब्राइड के बुके फेंकने का समय है। फेंको, हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं विश करती हूँ, काश कि तुम सबको अपना सच्चा प्यार मिले। सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं। और रपंजल ने अपनी आंखें बंद की और बुके फेंक दिया। लेकिन वो चीयर क्यों नहीं कर रहे? किसे मिला? नहीं। क्या? एक हॉर्स ने पकड़ लिया। वाओ, बहुत अच्छे। लाल एक फोम पेपर पर अलग अलग साइजेस के मोल्ड्स की आउटलाइन बनाएं। उन्हें सभी साइड से कवर करें। वेव्स और बॉल से केक को सजाएं। एक लेयर पर न्यूली वेड्स लिखा है।
वेडिंग केक परफेक्ट है। इसके ऊपर छोटी फिगरीन्स हैं। ये बिल्कुल ब्राइड और ग्रूम की तरह लग रहे हैं। पार्टी अच्छी चल रही है। ये नया कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए खुश है। सभी नाच रहे हैं और मजे कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैंट भी मजे कर रही है। लेकिन अचानक से म्यूजिक रुक गया। ध्यान दो सभी, अब हम केक काटने वाले हैं। सभी रुक गए और इंतजार करने लगे। ओप्स, जैसे ही प्रिंस का ध्यान हटा, हॉर्स ने केक हिला दिया। फ्लिन, ध्यान से, थोड़ा संभल कर। प्रिंस ने सही समय पर केक को संभाल लिया। ओह, शादी सेफ है, हम मजे कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पर गोंडोला ड्रॉ करें। नए कपल को संभालने के लिए इसे मजबूत होना चाहिए। साइड्स को लगाएं, इसके अंदर सीट्स लगाएं, बोर्ड को लकड़ी जैसा पेंट करें। यहाँ वुडन स्टिक पर कार्डबोर्ड पेडल है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्या प्रिंस पैडल कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। कितना अच्छा सरप्राइज है। रपंजल और फ्लिन हनीमून के लिए वेनिस आए हैं। रपंजल, मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? कपल ने डांस शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है, देखना मत। उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और चला गया। वाह, फ्लिन गोंडोला पर आया है। पट्टी हटाओ हनी, कितना अच्छा सरप्राइज है। प्रिंसेस ने अपना हाथ दिया और वो अपने हनीमून पर चले गए। हम दुनिया के सबसे खुश कपल हैं, कोई शक नहीं है। चलो विश करते हैं कि ये नया कपल जिंदगी भर खुश रहे।